दोस्तों आज गल करांगे उस शहर दी जिस दी एक एक किट पूरी प्लानिंग नाल लगाई गई है, जिस दी एक एक बिल्डिंग नू बनन विच सालां लग गए अते जिस दी खूबसूरती उस नू सिटी ऑफ ब्यूटीफुल दा खिताब दिवाउंदी है। हाँ जी, असी गल कर रहे हाँ चंडीगढ़ शहर दी। इस शहर दे बनन दी कहानी इन्नी दिलचस्प है कि तुसी कदी सोचा नहीं होवेगा। तुसी जानदे ही हो कि चंडीगढ़ पंजाब दी राजधानी है। इस शहर नू इन्ने प्लैंड तरीके नाल वसाया गया है कि इसनों फर्स्ट प्लैंड सिटी ऑफ इंडिया का खिताब प्राप्त होया है। तो शुरू करते हाँ, चंडीगढ़ शहर नू भारत की आज़ादी के कुछ समय बाद ही बसाया गया सी, पर यह एक अजिहा शहर है जिसनों अपने देश के ही नहीं पूरी दुनिया तो लोग देखने लिए आते हैं। चंडीगढ़ के बनन की कहानी समझने लिए पहला तो अपने देश की आज़ादी के समय की जियोग्राफी समझना पवेगा। आज़ादी के समय जदों भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश बने तां पछमी पंजाब का एक हिस्सा पाकिस्तान विच चलिया गया, जबकि पूर्वी पंजाब का हिस्सा भारत विच ही रह गया। अते इसे पूर्वी पंजाब विच अज आपां रह रहे हां। बण तो पहला संयुक्त पंजाब की राजधानी लाहौर हुंदी सी, पर आजादी के बाद लाहौर पाकिस्तान विच चले जाण ते पूर्वी पंजाब की कोई कैपिटल नहीं रही, इसलिए पंजाब नूं एक नवी राजधानी की जरूरत सी। पंजाब विच लुधियाणा, पटियाला, जलंधर ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਗਭਗ 20 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਡਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਾਲ 1952 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। चंडीगढ़ के सैक्टर 9 विच अज भी वह पार्क है जिथे चंडीगढ़ का फाउंडेशन पत्थर रखा गया है। उस बाद एक एक बरीकियों का ध्यान रखते हुए अलग अलग आर्कीटेक्टा की मदद नाल इस पूरे शहर नूं बसाया गया, पर उदों अजिहा समा सी जदों भारत कोल अजिहा मॉडर्न शहर बसाउण लई एक्सपर्ट ही नहीं सन। तां ही अमरीकी आर्कीटेक्ट अलबर्ट मेयर अते पोलैंड के आर्कीटेक्ट मैथ्यू नोवासिकी नूं इस पूरे शहर नूं डिजाइन करन दी जिम्मेवारी दित्ती गई, पर साल 1950 विच अलबर्ट मेयर दी मौत हो गई, जिस बाद भारत सरकार कोल एक नवें आर्कीटेक्ट नूं लभना चुनौती बन गई। आखिरकार फ्रांस दे आर्कीटेक्ट ली कारजीव्यूजर नूं इह महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दित्ती गई, पर कारजीव्यूजर अते मेयर विच इक वड्डा फर्क इह सी कि अलबर्ट मेयर पहला भारत के कई बड़े बड़े शहरों में रह चुके सन। अजिहे विच उसनू पता सी कि सानू आर्कीटेक्ट की किताब तो नहीं बल्कि भारत के लोगों के रहन सहन और सोच के हिसाब नाल चलना पवेगा। पर ली कारबुजर ने अजिहा नहीं सोचा। उसने दफ्तरों तो लैके घर तक नू इस तरह डिजाइन किया कि दिन समय बल्ब चलाउण की जरूरत ना पवे। सब तो पहला चंडीगढ़ नू रेजिडेंशल, एजुकेशन अते कमर्शियल सैक्टर वर्गे 30 हिस्सों में वंडिया गया। हर एरिए 5,000 तो 25,000 लोग रह सकन, इस तरह हरेक सैक्टर नू डिजाइन किया गया। चंडीगढ़ के हर सैक्टर का सैज 800x1200 मीटर रख्या गया। शुरुआत में चंडीगढ़ 30 सैक्टर ही बनाए गए सन। कहिंदे ने कि ली कारबुजर रूढ़ीवादी विचार रखता सी, इसलिए उसने चंडीगढ़ 13 नंबर सैक्टर नहीं बनाया क्योंकि गोरे लोग 13 नंबर नूं अनलक्की मानते हैं। पर बाद विच पापूलेशन बदन ते भी शहर नूं दोबारा नहीं बसाउणा पिया। इस दा डिजाइन ही इन्ना शानदार सी कि 31 तो 47 तक सैक्टर बना दिते गए अते बाद विच लोड़ पैण ते 48 तो 56 सैक्टर। ली कारबुजर दे इस शानदार डिजाइन की खास गल ए सी कि उसने इस नूं मनुखी शरीर दे डिजाइन ते बनाया सी। चंडीगढ़ दे एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम नूं चंडीगढ़ का दिमाग कहा गया, कमर्शियल सैक्टर नूं चंडीगढ़ का हार्ट कहा गया। जिवें आपां नूं जिउंदे रहण लई आक्सीजन बहुत जरूरी है, इसे तरह यह शहर हरा भरा रहे इसे लई हर सैक्टर विच पार्क बनाए गए अते ग्रीन एरिए नूं चंडीगढ़ के फेफड़े कहा गया। जदों इह सारियां चीज़ां डिवेलप हो गईयां तां एजुकेशन सिस्टम अते मैडिकल इंस्टीट्यूट खोले गए अते जिवें साडे शरीर विच नाड़ियां दा काम खून एक जगह तो दूजी जगह पहुँचाना हुंदा, सड़कां दा जाल बिछाया गया। यह सड़कां इस तरह बनाईयां गईयां सन कि दूजे राज्यां तो आउण वालियां सड़कां तो अलग रहन, अते फुटपाथ अते साइकल ट्रैक भी अलग बनाए गए।
ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਲਗਭਗ 115 ਸਕੇਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਲ 2011 ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਲਗਭਗ 11 ਲੱਖ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ 25 ਪਿੰਡ ਉਜਾੜ ਕੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ ਬਾਰੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ।